सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम लोग कुछ इस टाइप की बकराईद वाली फ़ोटो एडिटिंग करने वाले हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव एंड सिंपल टाइप की एडिटिंग है। आप लोग बस 3 से 4 मिनट में ही अपनी एडिटिंग को कंप्लीट कर लोगे, तो गाइस सच में वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। और मैंने इस वीडियो में जितना भी मटेरियल का यूज़ किया है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके गाइस, तो चलो अब अपनी वीडियो को कर लेते हैं बिना देरी के स्टार्ट। हे गाइस, आप लोगों ने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर आना है, और आने के बाद इस वाले बैकग्राउंड को ओपन कर देना। और अभी जो ये वाला बैकग्राउंड आप लोग देख रहे हो, इसको मैंने खुद से बनाया है, और ये बिल्कुल भी पहले ऐसे नहीं था। यहाँ पे आप लोग शैडो देख सकते हो एंड डोर के पास बैकग्राउंड, और यहाँ पे कलर, सेचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, इन सब चीज़ों को गाइस हमने मेंटेन किया, तब जाके इतनी शानदार बैकग्राउंड यहाँ पे बनी है। अगर आप लोगों को सीखना है कि खुद का बैकग्राउंड किस तरीके से बनाते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दो, तो अगली जो वीडियो है मैं उसी के ऊपर ले आऊँगा। ओके गाइस, सो आप लोगों ने पिक्सआर्ट ऐप में ये वाला बैकग्राउंड ओपन कर देना, और उसके बाद आप लोगों ने चलना है अपने गैलरी के अंदर। और गैलरी के अंदर जैसे आप लोग आओगे, तो अपनी मॉडल को ऐड कर लेना, जो भी आपको मॉडल रखना हो, और उसका कटआउट भी निकाल लेना। अगर आप लोगों को HD तरीके में मॉडल का कटआउट निकालना नहीं आता, तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हो, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप लोग सीख लेना। ओके, और अभी हमने अपने मॉडल को ऐड कर दिया है, और गाइस हम लोग कुछ इस तरीके से अपने मॉडल को यहाँ पे एडजस्ट करने वाले हैं। अपने मॉडल को आप लोग अच्छे तरीके से एडजस्ट करना, ताकि ये फेक ना लगे, एंड अभी हमारा मॉडल काफ़ी ठीक ठीक लग रहा है। उसके बाद गाइज हम लोग फिर से गैलरी के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे शैडो क्रिएट करेंगे। अगर हम लोग शैडो नहीं देंगे, तो हमारा जो फोटो है वो काफ़ी ज़्यादा नकली लगेगा, तो हम लोग शैडो वाली PNG को ऐड कर लेंगे। और गाइज इसको अपने मॉडल के नीचे एडजस्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग शैडो को बड़ा करेंगे, और यहाँ से इसकी ब्रीथ को भी इंक्रीज़ करेंगे कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद अपने मॉडल के नीचे एडजस्ट करना है, जहाँ पे भी आपको शैडो देना है वहाँ पे एडजस्ट करना। उसके बाद आप लोगों ने सेकंड नंबर पे एक लेयर मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके इसको मूव डाउन कर देना है, तो ये अपने मॉडल के पीछे चला जाएगा, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो गाइज मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट करूँगा, एंड ये काफ़ी ठीक ठीक लग रहा है मुझे। ओके डन, और मैं यहाँ से राइट पे क्लिक कर दूंगा। और गैस यहाँ पे 3-4 PNG अपनी बची हुई है, तो उन PNG को मैं ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो उसको मेरे को शॉर्ट करना है, तो मैं सारी PNG को ऐड कर लेता हूँ। बट आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि तो वीडियो बहुत ज़्यादा ईजी है गाइज। सो डन गाइज, अभी आप लोग देख सकते हो हमने सारे PNGs को ऐड कर लिया। ऐड करना काफ़ी ज़्यादा इजी था, एंड गाइज आप लोग भी कर देना। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आप लोगों को एक टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, अलहदा मुबारक, तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, आप लोगों ने उसी तरीके से लिखना है। और यहाँ पे सारा आप लोगों को कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद मैं अपना फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा जो मुझे करना है। ये फ़ॉन्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा, आई नो गाइज, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से यूज़ करना है, बिकॉज़ गाइस इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा बातें नहीं कर सकते। एंड गाइस काफ़ी सारे बंदे तो मेरे पास आते भी है कि भाई आप लोग मेरे को बता दो कि ये फ़ॉन्ट कैसे यूज़ करना है, तो मैं लिंक प्रोवाइड करवा देता हूँ उसका आप लोगों को, तो यूज़ कर देना। एंड गाइस उसके बाद हम लोग यहाँ से राइट पर क्लिक कर देंगे, और अपना जो पिक्सआर्ट का वर्क है गाइस यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस फोटो को हम लोग कलर रिटचिंग करेंगे। मैं प्रीसेट अप्लाई करके दिखाता हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, और यहाँ पे जो उसका कलर टोन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सो फिलहाल इस फोटो को हम लोग अपनी गैलरी के अंदर सेव कर लेते हैं, और इस फोटो को अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर देंगे। सो हे गाइस, अभी हम लोग अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे हमने दो फोटो को ओपन किया है, एक पिक्सआर्ट वाली सिंपल फोटो और एक प्रीसेट वाली फोटो। गाइस ये जो प्रीसेट वाली फोटो है, इसके अंदर हमने कलर ग्रेडिंग पहले ही कर लिया था।
गैस मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो जाए क्योंकि यार मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं लग रही है, मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को प्रीसेट दे दिया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने प्रीसेट वाली फ़ोटो को ओपन कर लेना है, ठीक है, मैं लिंक दे दूँगा आप लोगों को, तो उसको ओपन कर लेना। और जैसे आप लोग 3 डॉट पे जाओगे तो यहाँ पे कॉपी सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस सब चीज़ों को आप लोगों ने कॉपी कर देना है। यहाँ पे आपको टूल और ज्योमेट्री दो ऑप्शन खाली मिल जाएंगे, तो इन दोनों को फिल कर लेना है। और गैस जिस किसी में भी आप लोगों को प्रीसेट अप्लाई करना है उस फोटो को ओपन कर लेना, जैसे कि अभी मैंने पिक्सार्ट वाली सिंपल फोटो को ओपन किया और 3 डॉट पे जाऊंगा और यहाँ पे इस बार हम लोगों को पेज सेटिंग करना है। और जैसे गैस हम लोग अभी पेज सेटिंग करेंगे तो आप लोग इसका कलर ग्रेडिंग देखना कितना बढ़िया हो जाएगा। तो गैस अभी आप लोग देख सकते हो कितना यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, आप लोग यहाँ पे सिंपल फोटो देख सकते हो कितनी भद्दी सी लग रही है और यहाँ पे प्रीसेट के बाद अपनी फोटो कितनी ज़्यादा बॉम्ब लग रही है। सो गैस अपना सारा वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और आप लोग बस 1 मिनट में ही प्रीसेट को अप्लाई कर सकते हो। सो अभी हम लोग इस फोटो को गैलरी के अंदर सेव कर लेंगे। और गैस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल गया हो तो गैस अपने भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड गैस आपके ही सपोर्ट से सब कुछ होगा, एंड गैस आप ही हो इस चैनल को ग्रो करने वाले, तो गैस अपना प्यार देना और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ।